हेलो फ्रेंड्स, देसी रसोड़े में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी फल वाले यानी कि जौ के बीज इसको किस तरह से बनाएंगे। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक, हेल्दी और स्वादिष्ट भी होते हैं और ये स्किन में भी ग्लो लाता है, ये वेट लॉस के लिए। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, इसका सूप बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट सूप बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सबसे पहले हमें पैन लेंगे, उसमें एक चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल बहुत ही कम डालना है, मैंने इसमें राइस ब्रान ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, जब ये चटकने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे 8-10 कली लहसुन और एक हरी मिर्ची, मटर और कांदा, इसको मैंने इस तरह कद्दूकस कर लिया है, शिमला मिर्च और गाजर, इसको मैंने बारीक कटिंग किया है। अब इसको पकाना है, हल्के से ही पकाना, ज़्यादा गलाना नहीं इनको। अब इसमें डालेंगे एक टमाटर, इसको भी बारीक कटिंग किया है, आप चाहे तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। 1/2 इंच अदरक, आपके पास अदरक का पेस्ट हो तो वो भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से कद्दूकस करके। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आपको तीखा पसंद है ज़्यादा डाल सकते हैं, स्प्रिंग ऑनियन। अब इसमें जो भी वेजिटेबल है इसमें डाल सकते हैं, पत्ता गोभी है, फ्लावर है, कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, मशरूम है, नमक स्वाद के अनुसार। ये सूप बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट भी बनेगा। इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी, आपको जितना पतला करना हो उतना पानी डाल सकते हैं, 1 या 1.5-2 ग्लास। अब इसमें डालेंगे ये जौ के बीज, इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर दिया और इसका पानी भी फेंकना नहीं है, इसको पीने में यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी रहता है अपनी सेहत के लिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाएंगे और 2 मिनट के लिए पकाना है इसको। आप जौ के बीज को उबाल के पीस के भी डाल सकते हैं या अगर आपको आखा पसंद है तो इस तरह से भी डाल सकते हैं। अब ये पक गया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, हींग ऊपर से डालने से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अभी हमारा सूप बनके रेडी हो गया है, इसको सर्व करेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश करेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बना है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा वीडियो आगे से आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।